योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद टेम्पो चालक और टेम्पो स्टैंड संचालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर मेयर प्रमिला पांडे से बात की। कानपुर टेम्पो चालकों और वाहन स्टैंड संचालकों की समस्या को लेकर महापौर प्रमिला पांडे टीसीपी पश्चिम बीबीजीटीएस मूर्ति और नगर आयुक्त के साथ बैठक करके समस्या का समाधान किया। इस बैठक में महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि टेम्पो चालकों और संचालकों को यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। दिन से कम लगभग जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अवैध स्टैंड खत्म किए जाएं, जब से शहर के अवैध स्टैंड खत्म किए जाएं, अवैध किए तो अवैध स्टैंड आज से नहीं, अवैध स्टैंड तो ये उनकी सबकी जानकारी में, नगर निगम ने कोई स्थायी हम लोग का पार्किंग नहीं बनाई है। देखिए बेटा, कल हमारे पास वो लोग आए तो हमने उनसे ये कहा कि भाई आप लोगों की जो धाधागर्दी उसको बंद करो, नियम से चलो, हम तुम्हारे साथ चट्टान टाइप आपके साथ में खड़ी। अब इनका क्या होता, जैसे कि अभी मैं एक पिछले हफ्ते में बॉम्बे गई थी, बॉम्बे में एक एक लाइन से सब खड़े होते हैं, मैं भी उसमें सफ़र करके आई हूँ, तो जब उसमें तीन सवारी है कि तीन सवारी से वो आधा सवारी नहीं कर सकते। अब ये लोग वो भी गलत करते हैं, पीछे आगे चलो ठीक है, रोटी कमा रहे हो कोई बात नहीं। अब ये एक में अगर दो सवारी बैठ गए और दो सवारी उधर है तो ये नहीं करेंगे कि आगे वाली भर दें और फिर दूसरी लगा लें, वो जो सवारी जाती को जहाँ चाहेंगे वहाँ रोक दें। अब आपके आप स्कूटर चला रहे हो, अभी आगे चल रहे हैं, ये बेगर हाथ दे के खट देना मार देंगे तुम मुझे मार जाओ, तभी ये किसी का नियम पालन नहीं करते। अब एक तो कहाँ की टेम्पो कहाँ चला रहे हैं, कहाँ की वो कहाँ चला रहे हैं, तो ये लोग कायदे कानून से रहे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि अवैध स्टैंडों को बंद करना है, तो किससे चिन्हित किए गए हैं कानपुर? देखिए पहले 45 बता रहे थे कि 45 या 49 हमारे यहाँ हो, 49 हमारे यहाँ है। अब उनके टैक्सी स्टैंड के नेता आए थे, बता रहे थे कि 49 तब था जब छोटा था, अब शहर बड़ा हो गया है तो और तो हम उसको देख करके हमने नगर आयुक्त को बुला लिया था, हमने जो आज देख रहे हैं इस चीज़ को एसपी ट्रैफिक उनको भी हमने बुला लिया था, तो हमने उनसे बात किया, उन्होंने कहा हम भी माता जी इसी फेवर में इनकी रोजी न जाए, लेकिन ये कायदे से काम कायदे से करें, हम उनके साथ हैं। अब आज हम लिस्ट मंगवा लिए हैं, अब उसको दिखवाएंगे, अब जितना अवैध चल रहा है वो अवैध हम जोनल को आज ही एक लेटर अभी भिजवाते हैं नगर निगम से कि आप देखिए कि इसमें क्या है, इनके साथ जास्ती न हो, ये हमारे कानपुर शहर के नागरिक हैं, मेरा दायित्व है कि मैं इनकी रक्षा करूं, लेकिन मैं रक्षा तब करूंगी जब ये हमारा साथ देंगे कायदे कानून। हमारी सरकार, हमारे चाहे योगी जी, हमारे मोदी जी, वो चाहते हैं सब चीज़ एकदम ठीक ठाक से चले, ये जो अभी तक सरकारों ने इतना गलत पटवारी डाल दिया वो खत्म हो। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस, न्यूज प्लस 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।